हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की जो वीडियो है ये ब्रेक से रिलेटेड है। कम्प्लीटली ब्रेक को किस तरह से हमें यूज लेना चाहिए, ब्रेकिंग करते समय हमें किस किस बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये ब्रेकिंग में मैं बताऊंगा। 3 से 4 पॉइंट आपको इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूँ, जिसमें ब्रेकिंग का पोजिशन क्या होता है, ब्रेकिंग कैसे करनी चाहिए, चाहे स्लो मूविंग हो तब ब्रेकिंग कैसे करनी चाहिए, या कार थोड़ी सी फास्ट हो, थोड़े से एडवांस हो गए हैं आप, 20-25 दिन हो गए हैं ड्राइव करते हुए, आप थर्ड गियर लगाना स्टार्ट कर दिए हैं, उस समय आपकी ब्रेकिंग कैसे होनी चाहिए, उसके बारे में वीडियो करने वाला हूं। फ्रेंड्स, ये वीडियो पूरी देखें, स्किप ना करें। वीडियो अगर अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली चीज ब्रेकिंग के रिलेटेड, अभी जैसे कार स्टैंड स्टिल है तो पहली इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहूंगा, ये हैबिट बना लें, कार स्टैंड स्टिल हो, न्यूट्रल हो, सिग्नल में खड़े हैं तो आपका फुट देखिए, ये देखिए ब्रेक प्रेस करके रखें ऑल द टाइम। जब भी आपकी कार स्टैंड स्टिल है, कार स्टार्ट है और आप कार में बैठे हैं तो कार में फुट ब्रेक लगा के रखें अपना। अगर हो सके कार छोड़ के कहीं जा रहे हैं आप तो हैंड ब्रेक पुल कर लें, कार को न्यूट्रल छोड़ दें, ये आप कर सकते हैं। जब नॉर्मल डेज में है, बारिश में नहीं, बारिश में हैंड ब्रेक ना लगाएं कभी भी, गियर फर्स्ट गियर लगा के छोड़ सकते हैं लेकिन हैंड ब्रेक ना लगाएं, उसका भी रीजन अलग है क्योंकि वैक्यूम हो जाता है। अगर जैसे ही ड्राई हो जाएंगे ब्रेक्स ड्राई हो जाएंगे तो वहां वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, इसलिए फिर ब्रेकिंग जो है कंप्लीटली इंटैक्ट हो जाती है। उसके बाद आप कार बढ़ाना भी चाहेंगे तो नहीं बढ़ेगी क्योंकि वैक्यूम क्रिएट हो गया ब्रेक और डिस्क पैड में, उसके बीच में वैक्यूम क्रिएट होने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन बिल्कुल भी मतलब नहीं हो पाता है या मूवमेंट ही नहीं हो पाता है, ब्रेक रिलीज नहीं हो पाते हैं, वो इंटैक्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से बारिश के टाइम में ना करें इस चीज को, मतलब हैंड ब्रेक को यूज ना करें जब भी पार्किंग करें। लेकिन जब आप पार्किंग कर रहे हैं या आप ऐसा है कि कुछ 10-15 मिनट के लिए कहीं जा रहे हैं तो हैंड ब्रेक जरूर पुल कर लें, और अगर आप सिग्नल पे खड़े हैं या कहीं ट्रैफिक वाली लोकेशन पे खड़े हैं, न्यूट्रल कर दिए, आपको लग रहा है कि ट्रैफिक आगे बढ़ेगा, धीरे धीरे बढ़ेगा, तो आप फुट ब्रेक जरूर प्रेस करें। इसका रीजन ये है, सबसे पहला रीजन ये है कि आपकी कार अगर स्लोप होगी या आगे पीछे कुछ होगा, पॉट होल है कुछ है, कार अंदर पीछे की तरफ या आगे की तरफ कहीं जाएगी तो कहीं हिट ना हो जाए, पहली चीज ये। या स्पीड ब्रेकर है कुछ है, स्पीड ब्रेकर के ऊपर कार उठ चुकी है आपकी, तो अगर आप ब्रेक रिलीज करेंगे तो आपकी कार आगे या तो पीछे चल जाएगी। अगर वहां कोई कार आगे या पीछे कोई व्हीकल खड़ी होगी तो हिट होने के चांसेस है, दूसरी चीज। सेकेंड चीज ये है कि आप अगर मान लीजिए ब्रेक अप्लाई नहीं करके रखते हैं, कोई भी आसपास से या पीछे से कोई कार आपको हिट करती है, आगे से हिट करे रिवर्स करते समय या पीछे से आके बैंग करे आपकी कार को, तो आप अगर रिलीज करके रखेंगे तो आपकी कार क्या है और आगे की तरफ जाएगी। मान लीजिए पीछे से किसी ने 20-30 की स्पीड में हिट किया तो आपकी कार मतलब जो प्रेशर बिल्ड हुआ पीछे से, फोर्स क्रिएट हुआ, उसकी वजह से पीछे से तो बैंग हुई आपकी कार और आगे भी जाएगी, आगे जाके कोई व्हीकल खड़ी होगी तो उसमें भी बैंग होगी। तो बेसिक यही है कि दोनों तरफ से हिट होगी, तो इससे बेटर है कि आप कहीं ट्रैफिक में खड़े हैं या फिर आप सिग्नल के ट्रैफिक में खड़े हैं तो आप अपने फुट के ब्रेक को प्रेस करके रखें। इससे होगा यही कि आपको ये जो दो रीजन बताया जिसकी वजह से ये करना चाहिए, इससे आपकी कार की सेफ्टी रहेगी, आपकी खुद की सेफ्टी रहेगी और एक प्रोफेशनल या फिर आप कह सकते हैं एक एडवांस ड्राइवर की तरह बिहेव कर पाएंगे। तो ये हो गई फ्रेंड्स ब्रेकिंग की पहली जो चीज मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। अब आते हैं ब्रेकिंग करते कैसे हैं या ब्रेकिंग का यूटिलाइज कैसे करते हैं। तो सबसे पहली चीज आपको बता दूं फ्रेंड्स, ब्रेकिंग करते समय फर्स्ट गियर में अगर हम कार को लगाते हैं, फर्स्ट गियर में कार बढ़ाएंगे, थोड़ी सी आगे लेके जाएंगे, सपोज आप ट्रैफिक में हैं या ऐसी जगह जहां पे स्लो मूविंग है, आगे बम्पर टू बम्पर काइंड ऑफ ट्रैफिक है, उस पोजीशन पे आपका ब्रेकिंग कैसा होगा ये देखिए। क्लच को रिलीज किया, थोड़ा सा आगे बढ़ा, क्लच प्रेस किया, कार देखिए स्लो डाउन हो गई है, फिर हमें लगेगा तो बड़ा धीरे से प्रेस करेंगे, जब स्टार्ट स्टॉप करना है तो कंप्लीट प्रेस करेंगे। ये होता है ब्रेकिंग आपके फर्स्ट गियर में, क्योंकि आपको धीरे से स्लो मूव करना होता है और प्रेस भी ब्रेक भी बहुत ज्यादा हार्डली प्रेस नहीं करनी, नहीं तो क्या होगा, ये देखिए फर्स्ट गियर में अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और ब्रेक जोर से प्रेस करूंगा, ये देखिए मेरी कार क्या हुआ, इतना जर्क लगा, अगर आप देख सकेंगे कितनी जर्क लगी है। तो ये फर्स्ट गियर में अगर आप, ये होता है सर्टन ब्रेकिंग हो गई है, लेकिन अगर आप आगे बढ़ा रहे हैं और आगे वाली कार स्टॉप हुई है तो क्लच प्रेस करें, ये देखिए धीरे से प्रेस करेंगे, ये देखिए कार में जर्क बिल्कुल भी नहीं हुई। इससे क्या होता है, ज्यादा सडन ब्रेकिंग करते हैं अगर फर्स्ट गियर सेकंड गियर में तो क्या होता है, जो आपके साथ बैठे हैं फैमिली फ्रेंड्स जो बैठे हैं वो अनकंफर्ट फील करते हैं, बार बार बॉडी रोल होती है, आगे की तरफ पुश बैक पुश हो जाते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि आप अनट्रेंड हैं। तो ब्रेकिंग करते का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप थोड़े डिस्टेंस पे ही पहले हल्की सी ब्रेक, ये देखिए ये स्लोली मूव किए, थोड़े डिस्टेंस में जब आपको ब्रेकिंग करनी है हल्की हल्की प्रेस करना स्टार्ट करें, जहां रोकनी है तब पूरा प्रेस कर दे, देखिए कार बड़े स्मूथली रुक जाएगी।
तो ये होता है फ्रेंड्स पहली फर्स्ट ईयर में जो ब्रेकिंग का टेक्निक है। अब आते हैं सेकेंड ईयर में किस तरह से हमें ब्रेकिंग करनी चाहिए। और एक चीज है, ब्रेकिंग करते समय फर्स्ट ईयर में आपने क्लच प्रेस करके ही ब्रेकिंग करनी है, क्योंकि आरपीएम भी डाउन है, सारा कुछ सिस्टम आपका आरपीएम, कार स्लो, सारा कुछ डाउन है। तो आपने क्या करना है, क्लच प्रेस करना है, ब्रेक अप्लाई करना है। इससे क्या होता है, देखिए स्मूथली कार भी, इंजन भी स्मूथली चल रहा है, कार भी आपकी कंप्लीटली स्मूथली स्टॉप हुई है। तो ये होता है फर्स्ट ईयर में आपने क्लच पहले फिर ब्रेक अप्लाई करनी है। सेकेंड ईयर में क्या सिनेरियो होता है, अब आपको दिखाता हूँ। फर्स्ट ईयर से आगे बढ़ाता हूँ मैं, सेकेंड ईयर लगाऊंगा। सेकेंड ईयर लगाया मैंने, जैसे ही सेकेंड गियर लगाया, क्लच को रिलीज किया है, अब आगे चल रहे हैं हम, हमें लग रहा है कि अब ब्रेक अप्लाई करनी है या कार को स्टॉप करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सपोज हमें यहाँ पे स्टॉप करना है, तो हम क्या करेंगे, ब्रेक अप्लाई नहीं किया अभी तक मैंने, क्लच और ब्रेक दोनों साथ में प्रेस करेंगे। इससे क्या हुआ, जो फर्स्ट गियर में था कि क्लच पहले प्रेस करके ब्रेक करेंगे ताकि हमारी कार स्मूथली रुकेगी और इंजन भी स्मूथली रन होगा, नहीं तो जर्क होके इंजन भी बंद हो सकता है। ये सारे सिनेरियो हो सकते हैं अगर हम रॉन्ग ब्रेकिंग करेंगे या क्लच बिना ब्रेकिंग करेंगे। तो क्लच और ब्रेक का कॉम्बिनेशन आप समझ लीजिए, फर्स्ट ईयर में क्लच पहले फिर ब्रेक अप्लाई करते हैं, सेकेंड ईयर में क्लच और ब्रेक दोनों साथ में अप्लाई करते हैं। अब आते हैं फ्रेंड्स ब्रेकिंग का, जो थोड़ी सी स्पीड में अगर हम कार चलाते हैं, आपने नोटिस किया होगा सेकेंड ईयर में भी किस तरह से ब्रेकिंग की, क्लच तो पूरा प्रेस किया लेकिन ब्रेक धीरे धीरे प्रेस करके फुल प्रेस की, बाद में जब कंप्लीट स्टॉप करना था तब पूरी प्रेस की। थर्ड ईयर में हमारा कंप्लीटली चेंज हो जाता है ब्रेकिंग का सिस्टम क्लच के साथ। और दूसरी चीज है, ब्रेकिंग भी चेंज हो जाती है थर्ड गियर में, थर्ड गियर में आपका ब्रेकिंग अलग पैटर्न में हो जाता है। अभी आप देखिए पीछे से ये जाने दीजिए, उसके बाद मैं थर्ड गियर लगाऊंगा तो बताता हूँ आपको। अभी मैं फर्स्ट गियर में मूव कर रहा हूँ, इनफैक्ट एक्सीलरेटर प्रेस ही नहीं किया, मेरी कार मूव हो रही है अप्रोक्स 7 से 8 की स्पीड में, 10 भी कंप्लीटली नहीं है। अब मैं फर्स्ट गियर से सेकंड गियर जाता हूँ, यहाँ से मूवमेंट करेंगे, ये सेकंड गियर लगाया मैंने, ये कार मूव हो रही है, सेकेंड गियर में आगे मूव कर रहे हैं हम। ये थर्ड गियर लगाया, यहाँ पे देखिए यहाँ टर्निंग आई है, आगे यहाँ से राइट टर्न लेंगे तो मेरे को ब्रेकिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा, कार को स्लो डाउन करने के लिए धीरे धीरे प्रेस करूंगा ब्रेकिंग। कार स्लो हो गई है, पूरी प्रेस की नहीं है अभी तक मैंने, क्योंकि कार को स्टॉप नहीं करना है थर्ड गियर में, हमें कार को स्लो डाउन करना होता है इनिशियली। तो इनिशियली कार को स्लो डाउन करने के लिए मैं धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई किया हूँ। अभी साइड थर्ड गियर फिर से लगा के दिखाता हूँ आपको, ये मैंने थर्ड गियर लगाया, कार आगे मूव हो रही है। अब जब मेरे को ब्रेकिंग करनी है, मान लीजिए जो सामने खड़ा है स्टैंड है उसके साथ ब्रेकिंग करनी है, ये देखिए मैंने ब्रेक अप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, क्लच अभी तक प्रेस नहीं किया मैंने, क्लच अब प्रेस किया है, देखिए साथ ही ब्रेक, क्लच पूरा प्रेस किया, उसके साथ ही मैंने फुल ब्रेक प्रेस की, उसके बाद डाउनशिफ्ट कर सकते हैं या कुछ भी डाउनशिफ्ट, मतलब हम थर्ड गियर में भी थे तो बिल्कुल कंप्लीटली स्टॉप कर दिया, उसके बाद मैंने क्लच तो प्रेस है, उसके बाद मैंने फर्स्ट गियर या न्यूट्रल करना है तो अकॉर्डिंगली वैसे कर सकते हैं। लेकिन ब्रेकिंग करते समय हमें यह ध्यान रखना है कि थर्ड गियर में पहले ब्रेक अप्लाई करनी है, धीरे धीरे ब्रेक अप्लाई करनी है ताकि कार स्लो डाउन हो, जर्क भी फील नहीं हो, अंदर आपके हाथ जो बैठे हैं, आप खुद जो बैठे हैं ड्राइविंग कर रहे हैं तो आपको एकदम जर्क नहीं फील हो, इसलिए ब्रेक को हमेशा धीरे धीरे प्रेस करें। ये आप धीरे धीरे समझ पाएंगे, जब ड्राइविंग सीखने लगेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ब्रेक प्रेस करने से ज्यादा ब्रेकिंग लगती है और कितनी कम प्रेस करने से कम ब्रेकिंग लगती है। तो ये पैटर्न आपको समझना होगा कि आप हर कार का अलग डिफरेंट होगा, क्योंकि ब्रेक पैड जब रब हो जाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही ब्रेक प्रेस होती है। बहुत सारी कार में है कि हल्का सा ऊपर से ही प्रेस करना स्टार्ट करेंगे तो ब्रेक लगनी स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारी कार में है कि आपको हाफ से ज्यादा प्रेस करना पड़ेगा उसके बाद ब्रेकिंग अप्लाई होनी स्टार्ट होती है, वो आपके ब्रेक पैड पे इफेक्ट पड़ता है, ब्रेक पैड पे डिपेंड करता है कि कितना ब्रेक पैड आपका रन हो चुका है या कितना बाकी है, उस पर डिपेंड करता है। तो अभी आप मैं देखिए फर्स्ट गियर में मूव कर रहा हूँ, जैसे मैंने आपको कहा सेकंड गियर और फर्स्ट गियर में डिफरेंट होता है क्लच का और ब्रेक का, ब्रेक अप्लाई करते समय क्लच का यूज, और थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ गियर में जो भी मैंने थर्ड गियर में आपको एक्सप्लेन किया है वही होता है थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में ब्रेकिंग करने का तरीका। स्पीड में क्या होता है, हो सकता है आपको ब्रेकिंग ज्यादा प्रेस करनी पड़े। ये देखिए अभी मैं थोड़ी सी स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ कार की, ये देखिए थर्ड गियर में लाया, अब मैं फोर्थ गियर लगाया हूँ, यहाँ से अब मैं ब्रेकिंग करना स्टार्ट करूंगा, टर्निंग आई है आगे, अगर मेरे को यहाँ पे ब्रेकिंग करनी है, टर्निंग से पहले ब्रेकिंग करनी है तो मैं क्या करूंगा, ये देखिए थोड़ी दूर पहले से ही ब्रेकिंग करना स्टार्ट कर दिया, बहुत झटके में ब्रेक करेंगे तो कार
जर्क मतलब एकदम से बॉडी रोल होगा और वहीं रुक जाएगी कार और मैं मेरी बॉडी जो आगे की तरफ पुश हो जाएगी। तो ये चीज नहीं करनी है आपने, आपने पहले से ही जज करना है कि इससे पहले आपने कार को स्लो डाउन करना है, टर्निंग आ रही है उससे पहले कार को स्लो डाउन हो रहा है, टर्निंग तक पहुंच के आप ब्रेक नहीं करें क्योंकि उसमें फिर आपको क्या होता है सडन ब्रेकिंग हो जाएगी क्योंकि आप टर्निंग पहुंच चुके हैं, आपको टर्निंग लेनी है तो आपको कार को स्लो डाउन करनी होगी। तो बहुत पहले से ही आप फिगर आउट कर लें, बहुत पहले से मतलब एक दो सेकंड पहले से आप फिगर आउट कर लें कि आप ब्रेकिंग करने से कार को स्लो डाउन कर सकते हैं, फिर आगे स्टॉप करनी है चाहे टर्न लेना है तो डाउन शिफ्ट करके टर्न ले सकते हैं। तो ये था फ्रेंड्स ब्रेकिंग का टेक्निक, जिस तरह से हमें ब्रेकिंग करनी चाहिए फर्स्ट गियर सेकंड गियर और थर्ड फोर्थ और फिफ्थ गियर में, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। तो इस तरह से होता है पैटर्न टर्निंग में भी ब्रेकिंग का, और आपकी ब्रेकिंग करते समय आपने किस पैटर्न में ब्रेकिंग करनी है ये आपको भी एक्सप्लेन किया मैंने, क्लच यूज करते हुए किस तरह से ब्रेकिंग करनी है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, ब्रेकिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सारी मिल चुकी होगी, किस तरह से ब्रेक अप्लाई करनी चाहिए, किस तरह से कार को स्टॉप करना चाहिए और किस तरह से आपको कार को स्लो डाउन करना चाहिए, ये सारी टेक्निक है ब्रेकिंग की। तो फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी है, पसंद आई है तो लाइक करें, कमेंट में कुछ कहना चाहते हैं कमेंट करें, और चैनल अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड डे, ड्राइव सेफली एंड टेक केयर।